नए कपड़े खरीदते रहते हैं और बनाते रहते हैं, लेकिन इस चक्कर में पुराने कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं। तो अब इस पुरानी कुर्ती को, जो वैसे तो सही हालत में है लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैं इसे 16x16 का जो मेरा कुशन है उसके लिए एक सुंदर सा कुशन कवर बनाऊंगी। कुशन को रखते हुए निशान लगा लेंगे, 1 इंच जोड़ लिया यानी 17x17 पर निशान लगा लिया। मैं कुर्ती के सीधी तरफ निशान लगा रही हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कि डिजाइन मुझे कुशन के किस तरीके से लेना है कुशन के ऊपर। निशान लगाने के बाद निशान के ऊपर, क्योंकि पहले ही 1-1 इंच जोड़ लिया है दोनों तरफ, तो निशान के ऊपर मैं काट लूंगी। जो मोरी वाला हिस्सा है उस पर नहीं काटना, और मैं सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा कुशन का काट रही हूँ, नीचे वाला अभी नहीं काट रही। ये मोरी का हिस्सा है, मोरी से हम कुशन का मुंह रखेंगे जहां से कुशन अंदर जा सके, इसलिए वहां से हमें कटिंग नहीं करनी, वहां से सिलाई पहले लगी हुई है। और किनारे की जो सिलाइयां हैं वहां पर कटिंग की है, उधेड़ा नहीं है, इसलिए जो थोड़ा बहुत कतरन जैसी निकल जाए या धागे निकल जाए तो उसको आप काट लें। अब जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पर तकरीबन 2 इंच का मेरा कपड़ा बचता है यहाँ पर मोरी पर, तो इस कपड़े को यहाँ से खुला रखेंगे और इसको बचाते हुए फिर बाकी की तीनों साइड से सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे जैसा कि कुशन का ऊपर वाला कवर है। यदि आपकी कुर्ती ज्यादा चौड़ी है या सूट कुर्ती, आप यदि दुपट्टा डिजाइनर है, मोटा है बनारसी दुपट्टा या साड़ी, तो उससे भी कुशन कवर बना सकते हैं। तो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हो गया और ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। मोरी जो कि सिलाई पहले से तो पाई की हुई है वहां पे या मोरी हुई है, उसकी तरफ खुला हिस्सा रखेंगे और इसको मोड़ते हुए, मेरा 2 इंच कपड़ा बचता था कुर्ती के नीचे से तो मैंने 2 इंच मोड़ा है, लेकिन जैसा मैंने आपको तकिया का गिलाव बनाते हुए बताया था, यदि 5 इंच तक आपका कपड़ा बचता है तो वेरी गुड, आप 5 इंच तक उसको बचाइए वहां पर, मोड़िए और बाकी के तीन जो कोने हैं, तीन जो तरफ है वहां पर सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से आपका कटिंग हो जाएगी कुशन के साइज से 1 इंच ज्यादा। कुशन पूरा कवर होना चाहिए जब आपका कवर आप काट लें और तीन जगह सिलाई लगाएंगे। बीच में आप चाहें तो ओपन वाली साइड इस तरीके से हैंडल लगा सकते हैं, तो ये बैग जैसा बन जाएगा और आप इसको बीच में से काट देंगे धागे को या हैंडल को, तो ये आपका बांधने के बाद इस तरीके से कुशन कवर बन जाएगा। ये कुशन कवर बनाना बहुत आसान है, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप अपनी सारी पुरानी कुर्तियों और सूट से इस तरीके से खूबसूरत कुशन कवर बना सकते हो। तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट क्या वीडियो देखना चाहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।